नासिर साहब अबू ज़हबी से पूछते हैं, क्या लूडो खेलना जायज़ है? क्योंकि मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के गेम्स खेलने से मना फरमाया है। लूडो खेलना, पहले उसूल समझ लें कि कौन से खेल जायज़ हैं कौन से नाजायज़ हैं। खेल जो खेला जाता है उसका बुनियादी मकसद है ज़हनी तफरी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, अला कुल्लु लहविन बातिलुन, हर खेल बातिल है, यानी नाजायज़ है, बातिल है का मतलब यही है, इल्ला सलास, मगर तीन खेल। उन तीन खेलों में आपने फरमाया जौजा के साथ दिल लगी करना, घुड़सवारी और तीरंदाजी। तो ये जो तीन में हसर है, मकसद तीन नहीं है, मतलब ये कि जो इस नौयत के खेल होंगे जिससे फ़ायदा है, जिससे मुआशरे में सुधार पैदा होता है, या आपको ज़हनी तफरी मिलती है, या वो जिहाद में मैदान जंग में काम आती हैं वो चीज़ें, तो कोई भी मुफीद खेल होगा तो हम उसको कहेंगे कि जायज़ है। और जो खेल मुफीद नहीं है, उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान है, तो वो खेल नाजायज़ है। अब इसी पर तमाम खेलों को परख लेना चाहिए। मैंने बताया कि खेल का मकसद होता है कि अहम कामों से इंसान थकता है तो ऐसी तफरी के काम करता है जिससे जहन को ताजगी मिले। तो ऐसे खेल जिसमें जहन को ताजगी मिलने के बजाय जहन थक रहा हो उसमें आपका, जैसे शतरंज है, उसमें आपका दिमाग थक जाता है, यानी शतरंज खेलने के बाद आप किसी और काम के काबिल, आपका दिमाग कम अज़ कम कई घंटों तक नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है। तो दिमाग का तो काम ये था कि उसे यानी तफरी पहुँचा के फिर आप मुफीद कामों में दिमाग जैसी अहम नेमत को आप खर्च करें। आपने दिमाग जैसी अहम नेमत ही एक ऐसे खेल में खर्च कर दी जिसमें आपका दिमाग थक चुका है और वो अब अहम कामों के काबिल नहीं रहा, तो वो खेल के मकसद ही के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ऐसा खेल खेलने की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से बाद सहाबा इकराम से शतरंज की हुरमत मनकूल है, जो शतरंज की आदम जवाज़ मनकूल है। अलबत्ता उन लोगों के लिए शतरंज खेलने को जायज़ करार दिया गया है जिनको मैदान जंग में लड़ना हो और उनको जंगी तदबीरों में महारत पैदा करनी हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला से शतरंज का जवाज़ उन्हीं लोगों के लिए मनकूल है कि जो जंगी ट्रेनिंग के लिए शतरंज खेलना चाहते हों, यानी ताकि हम शतरंज की जो चालें होती हैं उसमें आपका दिमाग जो है वो थकता तो है, लेकिन साथ साथ आपको जो है वो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क्या क्या चालें इस्तेमाल होनी चाहिए, इन चालों का भी कुछ तजर्बा पैदा होता है आपको। तो जिसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली वाकई फ़ायदा हो रहा है उसके लिए तो जायज़ होगा, जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे कि आम तौर पर लोगों को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है, बहुत टाइम उसमें खपाया जाता है, बहुत सारे मुफीद काम आप उसमें कर सकते थे जो आप उस खेल में ज़ाया कर देते हैं और दिमाग को खपा देते हैं, तो शतरंज या उससे मिलते जुलते खेल जिसमें दिमाग थकता है वो नाजायज़ हैं। इसके अलावा जो खेल हैं जिससे ज़हनी तफरी होती है, जैसे लूडो खेलना जो है, इसमें कोई दिमाग नहीं थकता, इसमें तो वो छक्का आ गया तो पार हो गए, कभी उसने पीट दी आपकी गोटी, कभी आपने उसकी गोटी पीट दी, तो इसमें ये फ़ी नफ्सी ही ये मुबाह है, यानी जायज़ खेल है। और अगर इसके पीछे अच्छे मकासद हैं तो मुस्तहब भी होगा, यानी कोई मकसद आपका ये है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा तो मैं फिर मुफीद कामों में अपने दिमाग को लगाऊँगा, तो इस नीयत से अगर आप खेलते हैं तो उम्मीद है कि कुछ सवाब भी मिल जाए अल्लाह की तरफ से। या घर में अपने बच्चों के साथ आप लूडो खेल लेते हैं ताकि थोड़ा सा घर में एक मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इन चीज़ों से। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि वो घर के सरबरा को हमारे साथ वो खेल कूद में शरीक हैं। तो अगर इस नीयत से कोई खेले तो भी ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सवाब मिलेगा। तो ऐसे तमाम खेल, कैरम बोर्ड है, लूडो है, ये वो तमाम खेल हैं जो जिनकी गुंजाइश है खेलने की। लेकिन जो आजकल वीडियो गेम आ रहे हैं, इसमें बच्चों की नज़र भी ख़राब होती है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो गेम हराम है, लेकिन बहरहाल ये कराहत से खाली नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि इनमें टाइम वेस्टिंग है, वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है, आँखें ख़राब होती हैं बच्चों को, ये जो रीढ़ की हड्डी है आपके, जो इसके जो मोहरे हैं इनमें फ़र्क पैदा हो जाता है, जो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं ना गर्दन नीचे करके, उनके जॉइंट में मसला हो जाता है। तो इन खेलों को बहरहाल मकरूह करार दिया जाएगा और नापसंदीदा करार दिया जाएगा, इनकी हौसला शिकनी की जाएगी, जैसे कि पहले वालदैन अपने बच्चों को वीडियो गेम नहीं खेलने देते थे, मना करते थे उनको, आज तो बिल्कुल वो माँ बाप खेल रहे होते हैं, वो बच्चों को क्या रोकेंगे, क्योंकि वक्त की कदर ही ख़त्म हो गई है। अलवक्त अनफसुमा आनी तबिहफ़ी व आराहु असहल मा अली का यज़ीउ, शायर ने कहा कि वक्त सबसे वो कीमती चीज़ है जो जिसको तू ज़ाया करते हैं। अलवक्त अनफसुमा अली का यज़ीउ, सबसे कीमती तरीन चीज़
अल्लाह ने जो इंसान को दी है वो वक्त दिया है जो एक दफ़ा जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आता। ये ऐसा जालिम है कि जब छिनता है ना कुछ भी हो जाए ये वापस नहीं मिलने का आपको। वो अराहु असहल मा अलैका यज़ीउ अलवक्त अनफसु मा अनैता बिहिफ्ज़िही। जितनी चीज़ों को आप महफूज रख सकते हैं उनमें सबसे कीमती चीज़ वक्त है जिसको जिसकी आपको हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन शायर अपना दुखड़ा बयान कर रहा है कि लेकिन मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ तूने वक्त को समझ लिया है और इसको ज़ाया करना तेरी नज़र में सबसे आसान काम हो गया है। तो ये इस तरह के जो गेम्स हैं वीडियो गेम जो कंप्यूटर पे खेले जा रहे हैं इनमें तो बहुत वक्त ज़ाया होता है, बहुत वक्त बर्बाद होता है और हासिल कुछ भी नहीं होता, ज़हनी तफरी भी नहीं मिलती इनसे। तो इसलिए ऐसे खेलों का बायकॉट करना चाहिए। और मैंने बताया कि शतरंज तो बिल्कुल ही नाजायज़ है। तो हाँ, ये लूडो वगैरह में ज़हनी तफरी होती है थोड़ी देर के लिए, बच्चों के साथ अगर आप खेल लें, दोस्त अहबाब की कोई महफिल लग जाए वक्ती तौर पर तो ज़हनी तफरी का सबब बन जाती हैं ये चीज़ें और इसमें बहुत ज़्यादा इन्हमाक भी नहीं होता। तो ये खेल खेलने की इस्लाम में गुंजाइश है। बाकी वीडियो गेम का बायकॉट करें, बच्चों को रोकें उससे। और दूसरे जो खेल ताश है ये खेलना जायज़ नहीं है। जुआ लगा के खेलना वो किसी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे वो जायज़ काम भी हो लेकिन जुए की सूरत में वो हराम हो जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा। तो ये खेल के बारे में। इसी तरह वो खेल जिसमें जिस्मानी तफरी होती है यानी जिस्म आपका थकता है और इस बेस पे जहनी तफरी होती है वो तो बहुत ही मुफीद खेल है। घुड़सवारी का नबी ने जिक्र किया, तैराकी है, इसी तरह फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, ये खेल तो खेलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में ये शायद फ़र्ज़ के दर्जे में हो क्योंकि आजकल जिस्मानी एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। अगर आप इन खेलों में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो जिस्म बिल्कुल बेकार और मुअत्तल हो जाता है। तो वॉलीबॉल हो गया और फुटबॉल है या क्रिकेट भी किसी दर्जे में है अगर उसमें बहुत ज़्यादा इन्हमाक ना हो, लेकिन उसमें जिस्मानी वर्जी ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे खेलों को प्रोमोट करना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़ुद भी ऐसे खेलों में, टेनिस है, हकीम मोहम्मद सईद साहब का अक्सर मैं सुनाता हूँ आखिर उम्र में कि 68 साल या 78 साल उनकी उम्र थी और उसमें भी वो रोज़ाना 2 घंटे टेनिस खेला करते थे। ये उनकी जिस्मानी फ़िटनेस का राज था, इतने ज़्यादा खेल खेल के वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को फ़िट रखते थे और कोई बीमारी नहीं थी उनको। तो इस तरह के खेलों में दिलचस्पी लेनी चाहिए जिसमें आपका आपकी बॉडी थके, सांस फूले, आपका पसीना निकले, इससे जिस्म यानी इससे दिमाग को राहत मिलती है, बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। ऐसे खेलों को प्रमोट करना चाहिए।